गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। प्यारे बच्चों, मैं आज आपके समक्ष, थोड़ी सी धूप है भाई, पोएट्री फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थॉमस ग्रे के द्वारा रचित इस प्रसिद्ध कविता को लेकर के उपस्थित हूं। कृपया आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए, कॉपी और कलम साथ रखिए, ताकि हम लोग इस कविता का आनंद ले सके। तो प्यारे बच्चों, आप जो टाइटल है, टाइटल में देख रहे हैं फ्रॉम एन एलिजी, एक शब्द आया है एलिजी। ठीक ना, एलिजी मीन्स होता है शोक गीत। एलिजी मीन्स होता है शोक गीत। और बेटा, ये जो शोक गीत होता है एक प्रकार का विलाप होता है। जब किसी व्यक्ति का, कोई प्यारा व्यक्ति, कोई चहेता इस संसार को छोड़ देता है, तो चाहने वाला व्यक्ति उसके अभाव में अपने हृदय की वेदना को अभिव्यक्त करता है। जब वही वेदना कलमों के माध्यम से कागज के टुकड़ों पर छप जाती है, वह एक काव्य का रूप धारण कर लेता है। तो यहां पर एलिजी एक शोक गीत होते हैं। इट इज ए सॉन्ग ऑफ लेमेंट एंड मॉर्निंग। बेटा ये सॉन्ग है, लेमेंट बिलाप करना, मॉर्निंग बिलाप करना, बिलाप करना का एक गीत है। और आपके काव्य में, आपकी बुक में वाल्ट विटमैन का, किसका बेटा, वाल्ट विटमैन की फेमस एलिजी है ओ कैप्टन माय कैप्टन। ठीक ना, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के मृत्यु पर लिखी गई थी। वाल्ट विटमैन के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के मृत्यु पर लिखी गई थी, जो कि अमेरिका रूपी जहाज के कप्तान के रूप में जिसे प्रदर्शित किया गया था। अब यहां पर जो है कंट्री चर्चयार्ड, कंट्री मीन्स होता है बेटा गांव। चर्च यार्ड, चर्च मीन्स होता है गिरजाघर, यार्ड माने आंगन, और इसे हम कहते हैं कब्रिस्तान। गांव के कब्रिस्तान पर थॉमस ग्रे ने एक गीत लिखा जिसका टाइटल इन्होंने दिया एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि एलिजी क्या है। एलिजी एक छोटा सा गीत है, सॉन्ग है, जिसमें व्यक्ति विलाप करता है, रोता है, अपने हृदय की अभिवेदना को प्रकट करता है। इट इज ए सॉन्ग ऑफ लेमेंट एंड मॉर्निंग, यह विलाप करने का एक गीत है। और यह गीत गांव के कब्रिस्तान में दफनाए गए कमजोर तपते के लोगों के समर्पित है, उनके लिए लिखा गया है थॉमस ग्रे के द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आइए हम इसका थोड़ा हिंदी में सारांश देख लेते हैं कि यह काव्य आपको क्या कहते, क्या संदेशा देता है, और साथ ही साथ हमें अपने अध्ययन में आसानी भी होगी जब हम इसका हिंदी अनुवाद जानते रहेंगे तब।
तो आइए हम लोग देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। प्यारे बच्चों, जो कवि है आपका थॉमस ग्रे, वह गांव के कब्रिस्तान में गया हुआ था और गांव के कब्रिस्तान में जाकर के पूर्वजों की बनी हुई कब्रों का अवलोकन कर रहा था और शाम का समय हो चुका था, सूरज ढल चुका था, गिरजाघर का गजक बजता है, घंटी बजती है और उससे संदेशा मिलता है कि शाम आ चुकी है, दिन समाप्त हो चुका है। ईसाई समुदाय गिरजाघर में इकट्ठा होकर के प्रभु ईसा मसीह के सामने अपनी प्रार्थना को प्रस्तुत करता है। तो कहने का यह मतलब है कि शाम को गिरजाघर की घंटी बजती है तो ये संदेशा मिल जाता है कि शाम ढल चुकी है, अंधेरा होने वाला है। और दूसरी तरफ वे एनिमल जो ग्रासलैंड पर चरने के लिए गए थे, वो भी थके हुए रमाते हुए अपने घर को वापस आ रहे हैं। वह घास का मैदान जहां पर शीतल मंद पवन चल रही है, वह किसान जो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करने के बाद अपने पैर को पृथ्वी पर धीरे धीरे उठा करके रखते हुए घर की तरफ आता है, रगड़ते हुए रखता है। सब तो अपने घर को चले आते हैं लेकिन वह कभी और यह संसार अंधकार में रह जाता है, सभी अंधेरे में रह जाते हैं, उन्हें उजाले का, उम्मीद का कोई रोशनी नहीं मिलती है, कोई प्रकाश नहीं मिलता है। अगले स्टेंजे में पहुंचते हुए कवि ने कहा कि जो ये कब्रे हैं, ये कब्रे वृक्षों के नीचे हैं। कहां पर हैं? वृक्ष बने हुए हैं और उन्हीं वृक्षों के नीचे एक कब्रे बनी हुई हैं जिनका नाम इन्होंने बताया एल्म्स और यो नामक ट्री। और इन कब्रों के मोड़दार मिट्टी के ढेर के ऊपर घासें उग आई हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्वज अपनी तंग कोठरियों में, सकरी कोठरियों में हमेशा हमेशा के लिए गांव में सो रहा है। बेटा सुबह शीतल मंद पवन बह रही है, अबाबिल पक्षी अपने घोंसले में चहचहा रहे हैं, मुर्गा पक्षी तेज बांग दे रहा है और शिकारी अपने भोंपू को बजा रहे हैं, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है कि इन पूर्वजों को उनके सुंदर बिस्तर से जगा सके, उनके चिर अस्थाई निंद्रा से जगा सके। सब अपनी घोर निंद्रा में सो रहे हैं। आगे चलते हुए इन्होंने बड़ी ही अच्छी लाइन कहा कि वे व्यक्ति जो प्रभावशाली हैं, जो महत्वाकांक्षी हैं, जो भाग्यशाली हैं, उन्हें भाग्यशाली व्यक्तियों को इन पूर्वजों के उपयोगी मेहनत पर मजाक नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं करना चाहिए, उनकी हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। और आगे बढ़ते हुए इन्होंने बताया कि चाहे वो क्या कहते हैं, शान के साथ घृणा पूर्वक इनकी मेहनत पर, इनके जीवन शैली पर कभी भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि चाहे कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो या किसी के पास अपार शक्ति हो या किसी के पास अपार धन हो या किसी के पास अपार सौंदर्य हो, ये सभी चीजें एक अनिवार्य समय के आने पर जा करके कब्र में दफन हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं इस पाठ का लाइन बाय लाइन विद एक्सप्लेन मीनिंग और अध्ययन करते हैं, ठीक ना? प्यारे बच्चों, अगर हम ऐसे वृक्ष बना दें
ये वृक्ष हो गए और ये लंबे लंबे वृक्ष हो गए और यहां पर जो कब्रे हैं, इस प्रकार से हम कब्रों को बना सकते हैं। एक क्रॉस का निशान है और एक कब्र है। एक कब्रे हैं और एक क्रॉस के निशान बने हुए हैं। ये क्या कहते हैं, कब्रिस्तान है। ये वृक्ष की छाया के नीचे पड़े हुए हैं। आइए हम लोग देखते हैं थॉमस ग्रे की इस प्रसिद्ध कविता को, जो कि बहुत प्रसिद्ध कविता है। इसमें पहली लाइन है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं कि आपका कवि क्या कहता है। आपका कवि कहता है, द कर्फ्यू द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डेज। लाइन पर ध्यान दीजिएगा, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। इट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। प्यारे बच्चों, द कर्फ्यू माने गिरजाघर की घंटी। गिरजा घर की घंटी। टोल्स माने बजती है। टोल्स मीन्स बजती है। द नेल, नेल माने संदेश देती है, मैसेज करती है। पार्टिंग माने गुजरते हुए या समाप्त होते हुए। डे माने दिन। आपका कवि कब्रिस्तान में बैठा हुआ है, सायंकाल के समय गिरजाघर की घंटी बजती है, और जब गिरजाघर की घंटी बजती है तो कवि को यह संदेशा मिलता है, पूरे ईसाई समुदाय को यह संदेश मिल जाता है कि दिन समाप्त हो चुका है। तो बेटा, जब घंटी बजेगी तो आवाज आएगी टन टनाटन, टन 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 की आवाज आएगी। और जहां पर टन 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 की आवाज आई, जहां पर भौ 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 की आवाज आई, जहां पर म्यू म्यू की आवाज आई, जहां पर चैपरिंग चहचहाहट की आवाज आई, जहां पर खट खट की आवाज आई, वहां पर आपका फिगर आप स्पीच होता है आन ओ माटोपिया। कौन सा फिगर आप स्पीच होता है प्यारे बच्चों? वहां पर फिगर आप स्पीच होता है आनोमाटो पोइया। एक मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा मैं मिस्टेक कर रहा हूं। ठीक, फिगर आप स्पीच क्या होता है भाई? आनोमाटो पोइया मीन्स ध्वनि सूचक, ध्वनि की, ध्वनि का संकेत मिलता है कि टन 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 गोलियां दगती, धाम 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 तलवारें लड़ती हैं, टन 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 कुत्ते भौंकते हैं, भौ भौ भौ। क्लियर? तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होता है आन ओमाटोपोया। इसे कहते हैं हिंदी में ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार, अगर इसकी परिभाषा देखा जाए तो हम कहेंगे इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट
इन विच साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। बेटा अनिवार्य है क्योंकि बोर्ड परीक्षा में फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाता है, दो नंबर, दो दो चार एग्जाम्पल और डिफिनेशन। तो इट इज, इट माने ऑनोमेटोपोया इज फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार है, इन विच जिसमें साउंड आवाज सजेस्ट माने सुझाव देती है, इट्स माने अपने मीनिंग माने अर्थ का, या वह अलंकार है जिसमें आवाज अपने अर्थ का सुझाव देती है, अपने आवाज ही अपने अर्थ का मतलब बता देती है। आप भौं भौं सुन करके कहते हैं कुत्ता भौंक रहा है, कभी भौं भौं सुन करके आप नहीं कहते कि गैया बोल रही है, क्योंकि वही आवाज बता रही है कि कुत्ता बोल रहा है। द साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग, जहां पर आवाज अपने अर्थ का सुझाव दे दे वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगा ऑनोमेटोपोया। क्लियर, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजा घर की घंटी बजती है टनाटन 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 और मैसेज दे देती है कि दिन ढल चुका है, और जब दिन ढल चुका है तो इसका मतलब है कि बाहर रहने वाले सारे प्राणी अपने घर को चले जाएंगे और इस संसार को अंधेरे में छोड़ देंगे, और साथ ही साथ संसार में रहने वाले प्राणियों की बिना परवाह किए हुए सब के सब अपने घर को सुरक्षित वापस चले जाते हैं। लेकिन आपके कभी और उस कब्रिस्तान में सोने वाले व्यक्तियों की गजब लीला है कि वे अंधेरे और उजाले की कोई परवाह नहीं करते हैं, बिना परवाह किए हुए अपने उन स्थानों पर एकदम सुनिश्चित पड़े रहते हैं। आइए, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। द कर्फ्यू मीन्स गिरजाघर की घंटी, टोल्स माने बजती है, द नेल माने संदेशा देती है, आप पार्टिंग माने गुजरते हुए, डे माने दिन का। सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूं। इन दीज लाइन द पोएट डिस्क्राइब हाउ ही गेट्स द मैसेज दैट द डे इज अबाउट टू फिनिश एंड ऑल काइंड ऑफ क्रीचर रिटर्न दियर होम्स बट दे लीव द वर्ल्ड इन टू द डार्कनेस। ये होगा कॉन्टेस्ट। माई डियर स्टूडेंट, कम ऑन एंड वी मस्ट नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लाइन। एट द टाइम ऑफ इवनिंग द पोएट मिस्टर थॉमस ग्रे वॉज सिटिंग इन द ब्लेज चर्च यार्ड एंड ऑब्जर्विंग द ग्रेप्स दैट बिलोंग्स टू द पुअर ब्लेजर। They were poor, they were rude, they were not rich. And started this poem, says, the curfew tolls. Curfew means the bell of the church. Tolls means rings at the time of evening. And provides the message that the day is about the finish. समय समाप्त हो चुका है, दिन ढल चुका है, यही संदेशा गिरजाघर की घंटी बज करके हमें देती है। प्यारे बच्चों, ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ना चाहूंगा। द लोइंग हेड, लोइंग माने रवाते हुए, हेड माने पशुओं का समूह, हेड मींस ए ग्रुप ऑफ एनिमल, विंड हवा, स्लोली माने धीरे धीरे, ओवर माने ऊपर, द ली माने चरागाह ग्रासलैंड। मेरे प्यारे बच्चों, जो ग्रासलैंड है जहां पर एनिमल चरने के लिए गए हुए थे,
वहां पर हवा धीरे धीरे मधुर ढंग से बह रही थी और वहां से चरने के पश्चात सारे जानवर घरों को वापस आ रहे हैं, कैसे रंभाते हुए अपनी आवाज में बोलते हुए, There is another way to get that the day is about to finish because the animal that has gone on the grassland to graze. They also returned to their home and the air was moving on the grassland slowly. That was sweet and slowly. At the time of evening, the animal who were going to graze on the grassland also were returning. In the air sound, and the air was moving on the grassland slowly and sweetly. प्यारे बच्चों, जो पशु है वो चरने के लिए चरागाह गया हुआ था, शाम होने के पश्चात वह भी रमाते हुए अपनी आवाज में बोलते हुए अपने घरों को वापस आ रहे हैं और हवा उस घास के मैदान पर धीरे धीरे मधुर ढंग से बह रही है। इसका मतलब हुआ कि हर तरह से ये मैसेज मिल रहा है कि शाम ढल चुकी है। द प्लाउमैन, प्लाउमैन माने हलधर, हलधर मीन्स वह किसान जो हल से अपने खेत की जुताई करता है, होमवर्ड्स घर की तरफ वापस आता है। द फार्मर हु हैड गॉन इन दियर फील्ड्स टिलिंग द लैंड बर आल्सो रिटर्निंग टू दियर होम बट हाउ प्लॉट्स माने थक करके धीरे धीरे चलना, मूविंग स्लोली आफ्टर बींग टायर्डनेस, थक गए बेटा और थकने के बाद धीरे धीरे वे किसान अपने पैर को जमीन पर रगड़ते हुए घर को वापस आ रहे हैं। हिज अपने वेरी माने थके हुए, बेमाने रास्ते में, अपने थके हुए मार्ग में वो किसान जो जुताई करने के लिए गए थे वे भी धीरे धीरे अपने घरों को वापस आ रहे हैं। द फार्मर्स हु हैड गॉन टू टिल द लैंड्स आफ्टर बीइंग टायर्डनेस दे वर आल्सो रिटर्निंग टू दियर होम बट हाउ स्लोली Their legs were touching the ground. In this way, they were coming home slowly. In their very way, अपने थके हुए रास्ते में, यहां पर बेटा रास्ता थका हुआ दिखाई दे रहा है, ना कि किसान। जब रास्ता थक गया तो यहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगा ट्रांसफर इविथैट, लेकिन यह अलंकार आपके कोर्स में नहीं है इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मूल डोज देना है इसलिए इस पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कहा जाए सी स्पेंट द स्लीपलेस नाइट, उसने ना सोई हुई रात को व्यतीत किया, तो बेटा रात नहीं सोती है, हम सोते हैं, रास्ता नहीं थकता है, हम थकते हैं जहां पर व्यक्तियों के कार्य को उससे संबंधित वस्तुओं पर डाल दिया जाए, ट्रांसफर इफेक्ट तो इफिथैट होता है। आइए लेकिन आप अपने टॉपिक को देखिए, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, खेत की जुताई करने के पश्चात चरवाहा अपने घर को वापस आता है एंड लीव्स और छोड़ देते हैं द वर्ल्ड संसार को, टू डार्कनेस माने अंधेरे में एंड टू मी माने मुझे, ये पूरे लोग अपने अपने घरों को वापस चले आते हैं, इस संसार को और मुझे भी
अंधेरे में छोड़ देते हैं। कोई उजाला नहीं मिलता है, कोई उम्मीद नहीं मिलता है। All kind of people who were gone out for their work, they returned to their home safe and sound, but they leave the world into the darkness. And also the poet who were in the churchyard and observing the church who belonged to the poor village people. My dear student, सबके सब छोड़ करके चले जाते हैं। पूरी मीनिंग देखिए। द करपुटोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। सायंकाल के समय गिरजाघर की घंटी बजती है और दिन के समाप्त होने का संदेश देती है। द लोइंग हेड विंड स्लोली ओवर द ली। पशुओं का वह समूह जो चरागाह में चरने के लिए गया हुआ था, शाम होने पर रंभाते हुए अपने घर को वापस चले आते हैं, उस चरागाह से जिस चरागाह पर हवा शीतल मंद ढंग से धीरे धीरे बह रही है। द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। वह किसान जो अपने खेतों की जुताई करने गया था, खेतों की जुताई करने के पश्चात थक करके चूर होकर के धीरे धीरे अपने पैर को जमीन में रगड़ते हुए अपने घर को चला आता है। ये सारे लोग घर को चले जाते हैं एंड लीव्स और छोड़ देते हैं द वर्ल्ड संसार को टू डार्कनेस अंधेरे में एंड टू मी और मुझे संसार को और मुझे अंधेरे में छोड़ करके चले जाते हैं। ओके आइए हम लोग दूसरा स्टेंजा देखते हैं। विनिच दोज रूज्ड इल्म एंड यू ट्रीज सेड Where heaps the trough of many a mounding heap, each in his narrow cell far ever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. कभी ने कहा, विनिच माने नीचे, दोज माने उन, रूज्ड माने भद्दे खुरदुरे, एल्म पेड़ का नाम है, जो कब्रिस्तान है वो एल्म नामक भद्दे पेड़ों की छाया के नीचे बने हुए हैं। बेटा पेड़, बड़े बड़े पेड़ बरगद के सामान छाए हुए हैं, उन्हीं के नीचे कब्रें बनी हुई हैं। एंड आल्सो दैट यू, एक वृक्ष का नाम इन्होंने और लिया यू वाई ई डब्ल्यू आर ई एल एम एस। ये अंग्रेजी पेड़ हैं, इंग्लैंड के वृक्ष हैं। इसको क्या कहते हैं, ये बरगद के समान विशालकाय वृक्ष होता है और यो जो है ये सदाबहार वृक्ष होता है, अपनी पत्तियों को नहीं गिराता है। इन्हीं दोनों वृक्षों के नीचे वो कब्रिस्तान बने हुए हैं जहां पर गांव के पूर्वज सदा सदा के लिए दफनाए गए हैं। तो कवि ने कहा कि विनिच माने नीचे, दोज माने उन, रियूज्ड माने भद्दे, एल्म्स माने एल्म नामक वृक्ष, उन भद्दे एल्म नामक वृक्षों के नीचे वो कब्रिस्तान बने हुए हैं। दैट यो ट्री सेड, और यो नामक सदाबहार वृक्ष की छाया में वो कब्रिस्तान बने हुए हैं। कॉन्टेस्ट देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इन दीज लाइन द पोएट डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ द ग्रेप्स दैट आर मेड अंडर द ट्रीज। वृक्षों के नीचे बनी हुई कब्रिस्तानों की दशा का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि विनिच, विनिच माने नीचे, दोज माने उन, रियूज्ड माने भद्दे, एल्म माने वृक्ष, एल्म नामक भद्दे वृक्षों के नीचे एंड यो ट्रीज सेड, और यो नामक सदाबहार वृक्ष की छाया में वोन गांव के लोगों के कब्रिस्तान बने हुए हैं। वी मस्ट नो दैट द ग्रेप्स दैट बिलोंग्स दैट द ग्रेप्स दैट बिलोंग टू द पुअर विलेज पीपल आर मेड अंडर द ट्री हुज नेम वाज एल्म एंड यू। द क्वालिटी ऑफ एल्म ट्री इज दैट इट इज ए रियूज्ड ट्री विच इज काइंड ऑफ ए बनियान ट्री And also the your tree is evergreen tree that belong to England. Elm
और यो नामक वृक्षों की छाया के नीचे वे कब्रिस्तान बने हुए हैं, जिन कब्रिस्तानों में गांव के पूर्वज सदा सदा के लिए सो रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट, वी मस्ट नो दैट द ग्रेव आर मेड अंडर द ट्री हुज नेम इज एल्म एंड यो। द ग्रेव्स बिलोंग टू द पुअर विलेज पीपल। अगली लाइन देखें, होयर जहां पर हिप्स माने उग आई है, द ट्रफ माने घासे, इन मेनी माने बहुत से, माउल्डरिंग माने मोड़दार, हीप माने मिट्टी का ढेर। बेटा जो कब्र है, ये कब्रें मोड़दार मिट्टी के ढेर बन जाती हैं। ऐसे चारों तरफ से मिट्टी को मोड़ करके उठा दिया जाता है और इस मिट्टी के ढेर के ऊपर क्या उगाई है मेरे प्यारे बच्चों, घासें उग आई हैं। We must know that there were grasses that grow on the grapes that are made under the tree elm and yew. Elm और yew नामक वृक्ष की छाया के नीचे बने हुए कब्रिस्तानों के ऊपर घासें उग आई हैं। We must know that the grass is grow, that the grass had grown on the graves that are made under the tree elm are you। आगे बढ़े, each means प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब है प्रत्येक पितामह, प्रत्येक पूर्वज, in his अपने, नैरो माने सकरे, सेल माने कोठरी, और यहां पर कोठरी का मतलब होगा कब्र। प्रत्येक पितामह, प्रत्येक पूर्वज अपनी तंग कोठरी में फॉर एवर लेड, एवर मीन्स हमेशा हमेशा के लिए, लेड माने लेटा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक पूर्वज हमेशा हमेशा के लिए अपनी तंग कोठरियों में लेट चुका है, अपनी तंग कोठरियों में सो रहा है। क्लियर, अपनी तंग कोठरियों में सो रहा है, अपनी तंग कोठरियों में हमेशा हमेशा के लिए लेट चुका है। द रियूज्ड माने भद्दे, कमजोर, बदसूरत, फोर फादर्स माने पितामह, पूर्वज, ऑफ द हेमलेट माने गांव के, हेमलेट मीन्स ब्लेस गांव, स्लिप माने सोना, प्रत्येक भद्दे पूर्वज गांव की कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए अपनी तंग कोठरियों में सो रहे हैं। We must know that the forefathers who were poor, who were rude, who were not rich, who were illiterate, after their death, they are laid under the ground in their grave forever ever, हमेशा हमेशा के लिए अपनी तंग कोठरियों में ये पूर्वज सो रहे हैं, अपनी चिर अस्थाई निंद्रा में मेरे प्यारे बच्चों ये सो रहे हैं। क्लियर हुआ, चारों लाइनें देख लीजिए। बिन इस दोज रियूज्ड इल्म, उन भद्दे इल्म नामक वृक्षों के नीचे, दैट यो ट्री सेड, यो नामक वृक्ष की छाया में कब्रिस्तान बने हुए हैं, वेयर हिप्स द ट्रफ ऑफ मेनी माउल्डरिंग हिप, और मिट्टी के मोड़दार ढेर के ऊपर घासें भी उग आई हैं, प्रत्येक पूर्वज अपनी तंग कोठरियों में हमेशा हमेशा के लिए लेटा हुआ है, प्रत्येक भद्दा बदसूरत गरीब बदनसीब पूर्वज गांव के कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए सो रहा है। अंडरस्टैंड, आगे बढ़ते हैं और हम लोग तीसरा स्टेंजा देखते हैं। द ब्रिजी कॉल इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द सेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्यूवेल्ट सेट, द कॉक्स रायल क्लैरिन आर इचोइंग हॉर्न, नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम दियर लोली वेड। माई डियर स्टूडेंट, द ब्रिजी, ब्रिजी माने शीतल मंद पवन। पहले देख लेते कॉन्टेस्ट, इन दीज लाइन द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ मॉर्निंग,
द मॉर्निंग हैड कम बट द फोर फादर्स आर नॉट रेडी टू वेक अप. द ब्रिजी कॉल, ब्रिजी माने शीतल मंद पवन, कॉल माने पुकार रही है. और जब पुकार आई, फिगर ऑफ स्पीच ऑनोमाटोपोया. बेटा इसमें तीन लाइनें, द ब्रिजी कॉल सेंस ऑफ ब्रीदिंग मॉर्न, द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्टू बिल्ट शेड, द कॉक्स राइल क्लैरिन और द इचोइंग हार, तीनों में फिगर ऑफ स्पीच होगा ऑनोमाटोपोया, जिसका वर्णन हम लोग पहले कर चुके हैं. द ब्रिजी माने कूल फ्रेश एयर, काल माने पुकार रही है. आप इंसेंस माने सुगंध के साथ, विद परफ्यूम. मॉर ब्रीदिंग माने बहते हुए, सांस लेते हुए. मॉर्न माने सुबह के समय सांस लेते हुए, सुबह के समय बहते हुए, शीतल मंद पवन पुकार रही है, सबको जगा रही है, सबको संदेशा दे रही है, उठो लाल अब आके खोलो, पानी लाई हूं मुंह धोलो. उठ जाओ, सुबह आ गई है. सारे पक्षी सारे प्राणी सुबह का गीत गा करके सुबह का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए आपको भी उठ जाना चाहिए. लेकिन उस कब्रिस्तानों में सोने वाले अपने चिर अस्थाई निंद्रा में इस प्रकार सो रहे हैं कि सुबह की शीतल मंद पवन उन्हें किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं कर सकती है. एट द टाइम ऑफ इवनिंग द कूल फ्रेश एयर, सॉरी द कूल फ्रेश एयर वाज ब्लोइंग इन द मैनर ऑफ कूलिंग एंड फ्रेशनेस, बट द मॉर्निंग एयर इज अनएबल टू राइज द फोर फादर्स इन दियर बेड विच इज द ग्रेव. कब्रिस्तान रूपी उस सुंदर बिस्तर से सुबह की शीतल मंद पवन भी उन्हें जगाने में असमर्थ है, वो जगा नहीं सकती है. पहला क्लियर. द सेलो, सैलो मीन्स अबाबिल पक्षी, ट्वेटरिंग माने चहचहा रहे हैं, चैपरिंग कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं. फ्रॉम द स्ट्यू माने घास पूछ के, विल्ट माने बने हुए, शेड माने घोंसले में, अपने घास पूछ के बने हुए घोंसले में अबाबिल पक्षी भी कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, सुबह का स्वागत कर रहे हैं, सोने वाले को जगा रहे हैं. ऑन द अदर वे There is also the word which be called the sallows. They are also making the chirping in their nest which is made of grass, stew, घास पूंछ तिनके के बने हुए घोंसले में सुबह का स्वागत करते हुए अबाबिल पक्षी भी चहचहा रहे हैं, सुबह का स्वागत कर रहे हैं, सुबह के समय जगा रहे हैं. द कॉक श्राइल क्लैरिन, द कॉक माने मुर्गा, श्राइल बोलता है, क्लैरिन माने कर्कश आवाज में, कुकड़ों को कर्कश आवाज में मुर्गा भी सुबह बांग दे रहा है, सुबह का स्वागत कर रहा है. और अथवा इचोइंग तेज ध्वनि में बजने वाला हॉर्न माने भोपू सिंह का बाजा, वो शिकारी जो शिकार के लिए गए हुए थे अपने कुत्तों को बुलाने के लिए अपने सिंह का बाजा जोर जोर से बजा रहे हैं ताकि उनके कुत्ते उनके पास वापस आ जाएं. लेकिन नो, कोई नहीं, मोर अब और अधिक, सैल राउज माने उठाएगा, देम माने उन्हें अर्थात पूर्वजों को, फ्रॉम दियर माने उनके, लोली माने सुंदर, बेड माने बिस्तर से, अब उन्हें उनके सुंदर बिस्तर से, आरामदायक बिस्तर से कोई नहीं उठा पाएगा, कोई जगा नहीं पाएगा, कोई उन्हें हिला तक नहीं सकता है. अंडरस्टैंड, सुबह के समय शीतल मंद पवन चल रही है, अबाबिल पक्षी अपने घोंसले में चहचहा रहे हैं, मुर्गा तेज बांग दे रहा है,
शिकारी अपना भोपू बजा रहे हैं, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं है कि पूर्वजों को उनके सुंदर बिस्तर अर्थात कब्रिस्तान से जगा सके। अंडरस्टैंड? आइए अगला स्टैंजा देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉय, दियर होमली चॉइस, दियर डेस्टिनी ऑब्स्क्योर, नॉर ग्रैंडर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। इन दीज लाइन द पोएट डिस्क्राइब सॉरी द पोएट सजेस्ट दैट द पर्सन हु आर रिच, हु आर फुल ऑफ ब्यूटी, हु आर फुल ऑफ एजुकेशन, हु आर फुल ऑफ प्रॉपर्टी, दे मस्ट नॉट इंसल्ट द पुअर ब्लेसर, उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए। बेटा लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, लाइन देखिएगा, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। इसमें फिगर आप इस पीछे पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण, मानवीकरण वह अलंकार है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को या बेजानदार वस्तुओं को और गुणवाचक विचारों को सचिव माना जाता है। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर आफ्टर इट आफ्टर इट ए बी एस टी आर एस आफ्टर इट आइडियाज आर थॉट एज लिविंग बीइंग। देखिए बेटा, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच या एक ऐसा अलंकार है इन विच जिसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं को आर अथवा अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज गुणवाचक विचारों को आर थॉट सोचा जाता है एज लिविंग बीइंग सजीव, या वह अलंकार है जिसमें गुणवाचक विचारों को और निर्जीव वस्तुओं को सजीव माना जाता है। अंडरस्टैंड मेरे प्यारे बच्चों, अब इस लाइन में देखिए क्या निर्जीव है जो सजीव माना गया है। इन्होंने कहा लेट नॉट, नहीं चाहिए, एम्बिशन माने महत्वाकांक्षा, मोक माने मजाक करना या चिहाना, दियर माने उनके अर्थात पूर्वजों को, यूजफुल माने उपयोगी, टॉयल माने मेहनत, उपयोगी मेहनत पर। इन्होंने कहा कि वे लोग जो महत्वाकांक्षी हैं, सॉरी जो महत्वाकांक्षा है, महत्वाकांक्षा क्या है, एक गुण है, और अगर यह महत्वाकांक्षा चिढ़ाने का कार्य कर रही है, इसका मतलब है सजीव की तरह कार्य कर रही है, और जब यह सजीव की तरह कार्य कर रही है तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा, बोलिए, पर्सनिफिकेशन। माय डियर स्टूडेंट, पर्सनिफिकेशन कौन सा फिगर है आप स्पीच, पर्सनिफिकेशन, क्योंकि महत्वाकांक्षा मोक कर रही है। हम चिढ़ा सकते हैं, आप चिढ़ा सकते हैं, दूसरे बच्चे चिढ़ा सकते हैं, तीसरे चिढ़ा सकते हैं, सजीव चिढ़ा सकते हैं, सजीव बिरा सकते हैं, सजीव आंखें मटका सकते हैं, ओठ बना सकते हैं, लेकिन ना तो इसके पास आंख है, ना तो मुंह है, ना तो दांत है, किसको दांत दिखाएगा, किसको जीभ दिखाएगा, किसको आंखें मटकाएगा।
और अगर ये चिढ़ाने का कार्य कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर फिगर ऑफ स्पीच होगा पर्सनिफिकेशन। अंडरस्टैंड? ओके आइए। कभी नहीं कहा लेट माने लेट चाहिए, नॉट नहीं एंबिशन माने महत्वाकांक्षा को, अर्थात महत्वाकांक्षी व्यक्ति को। मोक माने मजाक करना, डियर माने उनके अर्थात पूर्वजों के, यूजफुल माने उपयोगी, टॉयल माने मेहनत। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को पूर्वजों के उपयोगी मेहनत पर मजाक नहीं करना चाहिए। अब बेटा महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा हृदय की वह प्रबल इच्छा है जो किसी तथ्य को करने के लिए अडिग हो जाती है। मैं आपका थोड़ा सा अगर समय लूं, शॉर्ट में बताना चाहूंगा। शेक्सपियर का एक नाटक है मैकबेथ। मैकबेथ की सबसे बड़ी कमजोरी है ओवर एंबिशियसनेस। बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह युद्ध के मैदान से लौट रहा था और लौटते समय उसका वह स्कॉटलैंड के राजा का सेनापति था, युद्ध करने गया। युद्ध से लौट रहा था, साथ में उसका साथी बैंको था। रास्ते में उन्हें चुड़ैलें मिली। आप लोगों ने चुड़ैल देखा है या नहीं देखा है, लेकिन मैकबेथ को चुड़ैल मिली थी और उन चुड़ैलों ने मैकबेथ की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि हे मैकबेथ, तुम स्कॉटलैंड के राजा बनोगे और तुम्हें विभिन्न पदवियों से नवाजा जाएगा। और बैंकों के बारे में बताया कि बैंको राजा तो नहीं बनेगा, लेकिन बैंकों की संतानें राजा बनेगी। मैकबेथ ने चुड़ैलों की बात पर विश्वास तो नहीं किया, लेकिन राजा बनने की बात उसके मन मन में खटक रही थी। जब वह स्कॉटलैंड पहुंचा तो उसे विभिन्न पदवियों से नवाजा गया। दूसरे व्यक्तियों की पदवी राजा ने उठा करके मैकबेथ को दे दिया। जब मैकबेथ को पदवी से थेन ऑफ कडार की पदवी से नवाजा गया, जब एक बात सही हुई तब मैकबेथ के दिमाग में बात कटकने लगी कि चुड़ैलों की दूसरी बात भी सही होनी चाहिए। चुड़ैलों की दूसरी बात बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसलिए उसके मन में ये बात बिल्कुल। और महत्वाकांक्षा राजा बनने की उसके हृदय में पनप गई। उसने जाकर के अपनी पत्नी से सारी बात बताई। पत्नी को भी चौथी चुड़ैल कहा जाता है मैकबेथ नाटक का, लेडी मैकबेथ। संयोग की बात देखिए, उसी दिन स्कॉटलैंड का राजा मैकबेथ के किले में घूमने के लिए जाता है रात विश्राम करने के लिए, और पति पत्नी ने योजना बनाया और राजा की हत्या कर दिया। और राजा की हत्या करने के बाद हत्या का आरोप अंगरक्षकों पर लगा करके मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा बन गया। महत्वाकांक्षा उसकी पूरी हो गई। यहीं पर मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि बेटा अभी हमें पढ़ाना है। तो इस नाटक की चर्चा हम कभी करेंगे जब फुर्सत में होंगे तो, अच्छी तरीके से। तो ये है महत्वाकांक्षा, किसी चीज को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा। तो कवि ने कहा लेट नॉट एंबिशन, वे व्यक्ति जो एंबिशन है, जो एंबिशियस है, जो महत्वाकांक्षा से भरे हुए हैं। मोक माने मजाक करना, चिहाना, दियर माने उनके अर्थात पूर्वजों के, यूजफुल माने उपयोगी, टॉयल माने मेहनत। महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को पूर्वजों के उपयोगी मेहनत पर मजाक नहीं करना चाहिए। अब मजाक कैसे होता है? अरे भाई, आपके दादा बाबा कुएं से पानी खींचते थे और आज आप एक बटन दबा देते हैं पानी मिलने लगता है, तो आपका ये हक नहीं है। अरे दादा खींचत रहा था पानी पावत रहा है, दबाए दी तब कागज बही जा, ऐसा मेरा धर्म नहीं है। समय की बात है, उनके लिए उपयोगी था जो आज आपके लिए उपयोगी है। अगर आपके पास महत्वाकांक्षा है
धन है दौलत है तो आप उनका मजाक कतई ही ना उड़ाएं। कवि ने कहा, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टाइल, उपयोगी सॉरी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को पूर्वजों के उपयोगी मेहनत पर मजाक नहीं करना चाहिए। डियर होमली जॉय, डियर माने उनके, होमली माने घरेलू, जॉय माने आनंद। बेटा उनके जो घरेलू आनंद थे, जो उनके सामान्य सामान आनंद विनोद करने के तरीके थे, उनका मजाक नहीं करना चाहिए। भाई आनंद विनोद, आज आपके घरों में जब शादियां वगैरह पड़ती हैं तो बड़ा सा काला सा एक डब्बा रख दिया जाता है और वो पों पों करके खूब बजता है ना। आप नाचते हैं, मजा लेते हैं। और उनके जमाने में जब शादियां पड़ती थी तो हमारी माताएं गाती थी, ढोलक बजाते थे, थालियां बजाती थी, वही उनका मनोरंजन था। तो हमारा फर्ज नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। डियर होमली, डियर होमली जॉय, उनकी साधारण आनंद पर, एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्यूर्ड, डेस्टिनी माने भाग, ऑब्स्क्यूर माने धुंधले, और उनके धुंधले भाग पर मजाक नहीं करना चाहिए। नर नहीं। ग्रैंडर माने शान शौकत, जो शौक वाले व्यक्ति हैं, जो शान से जी रहे हैं, जो धन में जी रहे हैं, जो सौंदर्य में जी रहे हैं, ऐसे शान शौकत वाले व्यक्तियों को हियर माने सुनना चाहिए। विद ए माने कोई, डिस्डेनफुल माने घृणा पूर्वक, स्माइल माने मुस्कुराहट। अगर कोई घृणा के साथ उन पूर्वजों के जीवन पर मुस्कुरा रहा है तो शान शौकत बिगले व्यक्तियों को उसको सुनना नहीं चाहिए, उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसमें हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। द पर्सन हु आर फुल ऑफ ग्रैंडनेस, दे मस्ट नॉट बी केयर ऑन द स्माइल दैट आर मेड बाई द पर्सन ऑफ वेल्दी। जो भी उनका मजाक कर रहा है शान शौकत के साथ, उसको सुनना नहीं चाहिए, उसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। द शार्ट माने छोटा सा, सिंपल माने साधारण, एनन माने रिकॉर्ड, आप द पुअर माने गरीब। उन गरीबों के जीवन के छोटे से और साधारण जीवन के रिकॉर्ड पर, जीवन के आंकड़े पर शान शौकत के साथ किसी की मुस्कुराहट को जानना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। चारों लाइनें देख लीजिए, लेट नॉट एम्बिशन मोक दियर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को पूर्वजों के उपयोगी मेहनत पर मजाक नहीं करना चाहिए। डियर होमली जॉय, उनके साधारण आनंद कर मजाक नहीं करना चाहिए। एंड डेस्टिनी ऑब्स्क्यूर, और धुंधले भाग्य पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नार नहीं। ग्रैंडर शान शौकत वाले व्यक्तियों को हियर माने सुनना चाहिए। विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, घृणा पूर्वक मुस्कुराहट को। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल ऑफ द पुअर, उन गरीबों के साधारण और छोटे से जीवन के आंकड़े पर। अंतिम स्टिंजा हम देखते हैं, द बोस्ट ऑफ हर डरली, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल वेल्थ एवर ग्रेन, अबेट अ लाइक इनविटेबल आवर, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। कॉन्टेस्ट देखिए, कभी ने कहा कि इसमें हर प्रकार की धन दौलत, सौंदर्य, शिक्षा से परिपूर्ण व्यक्तियों का मृत्यु साथ नहीं छोड़ती है, कब्रिस्तान में ले जाकर के दफन कर देती है। इन दिस लाइन द पोएट डिस्क्राइब दैट ऑल काइंड ऑफ मैन दैट आर फुल ऑफ ब्यूटी, फुल ऑफ वेल्थ, फुल ऑफ पावर, द डेथ कम्स नेसेसरी ऑन एवरी काइंड ऑफ मैन, दे द डेथ डज नॉट लीव एनी काइंड। द बोस्ट ऑफ हेडली, बोस्ट माने सेखी मारना, ऑफ हेडली माने उच्च कुल में जन्म लेने पर। कोई राजा का बेटा होता है, कोई धनवान का व्यक्ति होता है, कोई जमींदार का व्यक्ति होता है, कोई संभ्रांत का व्यक्ति होता है, बेटा होता है, ऐसे उच्च कुलों में जन्म लेने पर सेखी नहीं मारनी चाहिए। वी मस्ट नॉट बोस्ट After being the birth of a higher family that belong to king, that belong to minister, that belong to a ruler, किसी उच्च कुल में जन्म लेने पर हमें शेकी नहीं मारनी चाहिए।
पंपा पावर शक्ति का दिखावा, धन का दिखावा, दौलत का दिखावा, एंड ऑल द ब्यूटी और समस्त प्रकार के सौंदर्य, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, ऑल माने संपूर्ण, दैट वेल्थ माने धन, एवर माने कभी, गिव माने प्राप्त हुआ है, और संपूर्ण प्रकार का धन जो आपको प्राप्त हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचे कुल में जन्म लेने पर शेखी मारने वाले सुन लो, शक्ति का दिखावा करने वालों सुन लो, सौंदर्य से भरे हुए लोग सुन लो, और संपूर्ण प्रकार के धन से भरे हुए लोग सुन लो, थॉमस ग्रे का ऐलान, ऐलान ये है, अबेट माने प्रतीक्षा करता है, ए लाइक माने एक समान, द इनविटेबल आवर, अनिवार्य समय, सभी प्रकार के लोगों का एक अनिवार्य समय, एक समान प्रतीक्षा करता है, द पाथ ऑफ ग्लोरी, गौरव का मार्ग ले जाता है, बट टू द ग्रेव, केवल कब्र तक, जो गौरव का मार्ग है, इन सारी चीजों को कब्र तक ले जाता है, और कब्र में ले जाकर के दफन कर देता है। इसलिए हमें न तो शेखी मारनी चाहिए, न तो किसी के जीवन पर हंसना चाहिए, जीवन के रहस्य को जानना चाहिए और मृत्यु को एक अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। पूरी लाइन देखिए, बोस्ट ऑफ हेडली, ऊंचे कुल में जन्म लेने पर शेखी मारना, पंपा पावर शक्ति का दिखावा करना, ऑल द ब्यूटी संपूर्ण सौंदर्य से परिपूर्ण, ऑल द वेल्थ एवर गेन संपूर्ण सभी प्रकार के धन जो आपको प्राप्त हैं, अवैट अलाइक द इनविटेबल आवर, ये सारी चीजें एक अनिवार्य समय की प्रतीक्षा करते हैं, द पाथ ऑफ ग्लोरी लेड टू द ग्रेव, गौरव का मार्ग उन्हें कब्र तक ले जाता है। थैंक, द पोएम इज फिनिश, सॉरी द पोएम इज ओवर। प्यारे बच्चों, हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए जीवन के साथ। अगर इसमें कोई लाइन आपको समझ में ना आए हो तो कृपया कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। पढ़िए, हंसिए, खूब खेलिए, खूब खाइए। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट, गुड बाय।